नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कूल सच यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आधार कार्ड का जो आप फाइल डाउनलोड करते हैं वो पीडीएफ में होता है और पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो अगर आपको उसका पासवर्ड नहीं पता है तो आप उसे कैसे खोल सकते हैं, आप उसका पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ से हम आ जाते हैं अपने फाइल मैनेजर में। और फाइल मैनेजर में आ जाने के बाद हम जाते हैं सीधे उस पीडीएफ में। तो यहाँ पे डाउनलोड वाला फोल्डर में मेरा वो पीडीएफ पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये मेरा आधार कार्ड है। और यहाँ पे अगर हम इसे इस तरह से ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे ये पासवर्ड मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है उसका नेम के आगे का 4 लेटर और फिर लास्ट का ईयर, मतलब कि अगर आपका नेम चंद्रजीत है और आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1990 है तो इसका पासवर्ड होगा CHAN, मतलब कि 4 कैरेक्टर आगे का हुआ और 1/1/1990 डेट ऑफ बर्थ है तो फिर 1990 लास्ट का होगा ईयर। अगर आपका नेम रवि वर्मा है तो फिर आपका पासवर्ड होगा RAVI बड़े अक्षरों में रवि, और उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर, जैसे कि 2/5/1986 है तो फिर आपको डालना होगा बड़े अक्षरों में RAVI 1986। मेरा नेम अमित कुमार है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2/5/1988 है तो मेरा पासवर्ड होगा AMIT 4 अक्षर आगे का और उसके बाद 1988। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। बड़े अक्षरों में आपको पासवर्ड इंटर करना होगा, तो यहाँ से मैं बड़े अक्षरों को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ और इसे हम सीधे यहाँ से हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे ये ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में। और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर आते रहते तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।